नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। तारीख 8 महीना अगस्त साल 2023 और समय 12 बजे। आपको संसद में राहुल गांधी बोलते हुए दिखेंगे और कांग्रेस इस समय बेहद ही खुश नजर आ रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेखर सर। शेखर सर, बताइए क्या हो रहा है? अभी भी खबर ये आई कि राहुल गांधी 8 अगस्त को दोपहर में 12 बजे जो है वो संसद में बोलेंगे। न सिर्फ बोलेंगे, जिस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा लगातार हो रही थी, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी को एक तरीके से बोलने के लिए मजबूर करने के लिए एक तरीके से लाया गया था, जिसे जानकार बता रहे हैं उस हिसाब से, उसमें राहुल गांधी विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत करेंगे। दोपहर के 12 बजे का वक्त जो है वो रखा गया है। अपने आप में चीज़ें जो है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ती आ रही, क्योंकि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में एक खुशी की लहर थी, लेकिन वो लहर थोड़ी सी मायूसी में बदल गई, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि फैसला आते ही तुरंत राहुल गांधी की संसदीय जो है वो बहाल हो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ घंटों का या कहें कि दिन का वक्त लगा, और वक्त लगने के बाद में कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से चेतावनी भरे अंदाज में उतरना पड़ा कि अगर बहाली नहीं की जाती है तो फिर वो विरोध के लिए उतरेंगे। लेकिन इससे पहले खबर आई कि सचिवालय की तरफ से लेटर इशू हो गया है, जिसमें राहुल गांधी की संसदीय जो है वो बहाल कर दी गई। न सिर्फ संसदीय बहाल की गई, राहुल गांधी तुरंत कुछ घंटों के भीतर ही संसद भवन में लोकसभा में पहुंच भी गए, जहां पर वो बैठे आपको नजर आए। लेकिन अब राहुल गांधी जो है अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत करेंगे, भाषण देंगे। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की संसद में वापसी के बीच में दोनों तरफ से बयान सामने आए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बयान आए और बीजेपी की तरफ से भी आए। दोनों बयानों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि संसद में 12 बजे का जो दौर होगा वो बेहद दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शेर आया, शेर जो है वो अलर्ट आया, और ये वही है, वही ये पूरा एक तरीके से कैंपेन है। जब करीब करीब मेरे ख्याल में 5 महीने पहले का वक्त रहा होगा, जब अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी बहुत ज्यादा बोल रहे थे, तो ट्विटर पर बाकायदा कैंपेन चलाया जा रहा था कि शेर आया, और उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को एक खिड़की से झांकते हुए दिखाया गया कि भाई शेर आ गया है, बच के रहना, उस टाइप से तो वो कैंपेन चलाया गया। तो कांग्रेस इसको शेर आया की तरह लेकर चल रही है, लेकिन जबकि बीजेपी के खेमे की अगर बात करें तो यहाँ पर बयान आ रहे हैं, पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक जो है कहा जा रहा है कि मनोरंजन आ गया। तो यहाँ बीजेपी इस चीज़ को बहुत मनोरंजन की तरह लेकर चल रही है, कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है कि शेर आ गया है, अब शेर शिकार करेगा। अच्छा, शिकार किन मुद्दों पर करेगा यहाँ पर श्रेय, वो भी समझिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से पिछला वाला जो मोदी और राहुल गांधी के बीच में जो एक तरीके से फेस ऑफ हुआ था आप कहिए संसद के अंदर, उसमें मुद्दा अडानी का था, लेकिन इस बार जो मुद्दा है वो मुद्दा है मणिपुर का। तो संभवतः मणिपुर के मुद्दे को लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी या पूरा विपक्ष कोशिश कर रहा था कि प्रधानमंत्री बोले, अब प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर करने के बीच में अब जो जिसको बोलेंगे एक तरीके से ओपनिंग करने के लिए जो बैट्समैन उतर रहे हैं वो राहुल गांधी हैं। अब ये राहुल गांधी के ऊपर है कि ये ओपनिंग कर एक अच्छी नॉक खेलकर सेंचुरी बनाकर एक अच्छा टेस्ट मैच में जिसको कहते हैं एक अच्छा स्टैंड दे पाते हैं अपनी टीम को, या फिर कुछ ऐसा बोलकर, क्योंकि आमतौर पर उनके बयानों में देखा गया है कि उनका स्लिप ऑफ टंग हो जाता है या कुछ तरीके की हरकत हो जाती है, चाहे अनचाहे जैसे भी वो हास्यपद हो जाता है, और सोशल मीडिया का ज़माना है, देखते देखते चीज़ें जो है आज की डेट में बहुत जल्दी ट्रेंड भी होती हैं और वायरल भी होती है। हालांकि पहले के मुकाबले अगर देखें तो कांग्रेस का भी जो सोशल मीडिया विंग है वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। अब राहुल गांधी के ऊपर है कि वो इस मौके को किस तरीके से लेते हैं, एक अच्छी बैटिंग करके जो है एक अच्छा स्टैंड देते हैं कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को, और ये साबित करते हैं कि न सिर्फ शेर वापस आया है बल्कि शेर जो है वो इंडिया को लीड करने के लिए भी आया है, प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर भी आया है, या फिर वो कुछ ऐसा कहते हैं जिसके बाद में जिसको लोग कहते हैं कि कहीं एक्सपोज ना हो जाए, तो वो देखना होगा। लेकिन एक बात और है कि जैसे जब राहुल गांधी की सदस्यता जब खत्म कर दी गई उसके बाद से राहुल गांधी में बड़े बदलाव देखे गए, जैसे कि कर्नाटक चुनाव के बाद जब जीत हुई तो बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने बयान दिया, अब जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी तब भी उन्होंने बहुत कम शब्दों में अपनी खुशी जाहिर की, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरा बयान और अन्य सदस्यों ने बयान दिया, लेकिन राहुल गांधी बोलने से बचे। तो क्या इस बार फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी के बारे में एक चीज़ मैं कहूँगा, हो सकता है कई लोगों को अच्छी ना लगे, आप उनके अगर भाषणों के पैटर्न को देखेंगे, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या दूसरे कई सारे मुद्दे हों पिछले आप कई सालों का अगर उठा लेंगे, तो राहुल गांधी का अलग अलग मंचों पर जो कंटेंट रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। अगर कर्नाटक में राहुल गांधी बोल रहे हैं तो ऑलमोस्ट वही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा यूपी में भी, एमपी में भी, राजस्थान में भी, और उसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर में भी, तो कंटेंट उनका ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहता है। कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि बातें वही होती हैं, ऐसा नहीं कुछ नयापन देखने को मिले,
एक ये हो सकती है वजह। उसके अलावा जो है राहुल गांधी हाल पलक दिन आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से एक स्लिप ऑफ टंग हुआ था जिसमें जयराम रमेश को उनको इंटरप्ट करके जो है अनफॉर्चुनेटली मैं सांसद हूँ इस तरह की बात उन्होंने कही थी, तो उसको लेके जयराम रमेश ने ऑन कैमरा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उनको रोककर किस तरीके से दुरुस्त किया था। तो हो सकता है कि बचने के लिए आप कम बोलेंगे तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, आप ज्यादा बोलेंगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो इस कड़ी में बचाव के लिए कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो कम से कम बिना टीपी के बोलते हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर ये आरोप लगते रहते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये अपने अपने तर्क जो है वो दोनों साइड से हो सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के मामले में यही है कि शायद ये वजह रही हो कि उन्होंने कम बोला, और हो सकता है कि इस मामले में अभी बोलने के लिए कुछ ज्यादा हो ना, और हो सकता है पूरी तैयारी के साथ वो बोलना चाहते हो, तो ये इसके पीछे एक रीजन संभवता हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी कम बोल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनके ही एक विधायक हैं इरफान अंसारी, उन्होंने तो उन्हें स्वर्गीय बता दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? अब ये स्लिप ऑफ टंग ही आप इसको कहेंगे और क्या कहेंगे, मतलब स्लिप ऑफ टंग जो है खुशी में इतनी खुशी हो गई। हाँ, ज्यादा उत्साह भी होना गलत होता है, कई बार कहते हैं स्वर्गीय बता दिया, जाहिर सी बात है कि इस तरह की बात जो है नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी तक पहुंचे या किसी और के तक पहुंचे तो ये अपने आप में बड़ा अजीब हो जाता है। स्लिप ऑफ टंग का भी एक होना चाहिए कि गलती से कुछ चीज़ें आप गलत नहीं कर सकते हैं, आप कुछ चीज़ें गलती से भी गलत नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब उनकी जुबान फिसल गई और वो वायरल हो गया, वो अलग। फिलहाल इस समय कांग्रेस दफ्तर में और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस समय बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अब सबकी नज़र 8 अगस्त के 12 बजे सबकी नज़र राहुल गांधी पर टिकी होगी कि आखिर संसद में आने के बाद राहुल गांधी क्या कुछ बोलते हैं। अब इंतजार रहेगा राहुल गांधी क्या बोलते हैं अब हमारे इस चर्चा पर, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट गोल करते हैं कि सेल्फ गोल करते हैं, या बिल्कुल सेल्फ गोल करते हैं या गोल करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अब हमारी चर्चा पर राहुल गांधी के रिटर्न्स पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।